आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डिस्टिंग्विश बिटवीन फैगोसोम, हेटेरोफैगोसोम एंड एन ऑटोफैगोसोम। यहाँ पे बोला गया कि इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए, तो फैगोसोम्स का बात करें तो फैगोसोम्स बेसिकली ऐसे वेसिकल्स होते हैं जो कि या फिर जिसमें क्या पाया जाता है, यहाँ पे लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं। और लाइसोजाइम्स क्या करते हैं, तो ये हाइड्रोलाइट यानी डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, और यही वेस्ट प्रोडक्ट को डिग्रेड करने का काम जो है वो पर्टिकुलरली फैगोसोम्स का होता है। यहीं पे अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हेटेरोफैगोसोम का मतलब होता है कि जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं यानी फॉरेन वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये फॉरेन वेस्ट पार्टिकल को जब इंटीग्रेट किया जाता है या फिर हम कह सकते हैं कि इंड्यूस किया जाता है इनसाइड द सेल, तो ये इनसाइड द सेल जाके ये जो फॉरेन वेस्ट मटेरियल्स है ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जो कि इंटीग्रेटेड रहता है फैगोसोम के अंदर। तो ये जो आउटर साइड के पार्टिकल से मिलते हैं या फिर बनते हैं वो होता है हेटेरोफैगोसोम। वहीं पे ऑटोफैगोसोम जो है वो इसका उल्टा होता है, जहाँ पे पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कि जो सेल डेब्रीज होते हैं इनसाइड द सेल से जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, ये वेस्ट मटेरियल को सर्कल करके उसके अंदर डाला जाता है या फिर डिग्रेड किया जाता है। तो पर्टिकुलरली जो अपने ही सेल के डेब्रीज होते हैं उनको डाइजेस्ट करना ही यहाँ पे ऑटोफैगोसोम कहलाता है। तो यही हो जाता है करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।